हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैस पे। मैं एसएससी कांस्टेबल नॉन जीडी 2020 अब 2020 के साथ साथ नॉन जीडी 2022 भी स्टार्ट हो चुका है। नॉन जीडी 2020 का अभी मेडिकल आप लोगों का मेडिकल देखिए, पहले आप लोगों को सेंटर्स पे बताया जा रहा था कि 20 नवंबर से मेडिकल होगा 20 सितंबर से, तो 20 सितंबर जो है वो तो चला गया है, लेकिन अब 20 सितंबर नहीं तो 20 से अब आप इसको 20 को 30 कर दीजिए 30, और 30 में भी थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है क्योंकि भर्तियां जो है वो फोर्स का जो रिक्रूटमेंट सेल है उस पर अभी काफी दबाव है काम का, क्योंकि भर्तियां उनको बहुत जल्द पूरी करनी है। तो 30 और अब भी कंप्लीट जानकारी आपको सेंटर्स की, काफी कैंडिडेट्स ने कि मेडिकल कहाँ होगा। देखिए 30 से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हो सकता है, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। मैक्सिमम आप समझ लीजिए कि 10 अक्टूबर से पहले पहले आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाए मैक्सिमम है। हालांकि प्लानिंग यह है कि 30 से, लेकिन वो पहले जो 20 वाला जो था वो भी अभी 30 हो गया है, तो 30 से हो सकता है कि और 2-5 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैक्सिमम आपको बता रहा हूं कि सेकंड मंडे जो है अक्टूबर का, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा। तो मेडिकल में एक तो सेंटर्स के बारे में हम बात करेंगे, सेंटर फिक्स हो चुके हैं आपके, उसके बारे में बताएंगे आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मेडिकल में आपको क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। मेडिकल आप पहली बार जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना। देखिए 25 बटालियन एसएसबी घिटौरनी न्यू दिल्ली का सेंटर है, ये एक तो मेडिकल का सेंटर ये बनाया गया है। मेडिकल का जो नई गाइडलाइन है उसके अनुसार ये निर्देश दिया गया है फोर्सेस को कि मेडिकल वहां किए जाएं जहां पे सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या जो इनके कंपोजिट हॉस्पिटल या कहें कि जो पैनल्ड हॉस्पिटल हैं बड़े, उनकी सुविधाएं हों। तो जहां पर यूनिट ऐसे लोकेशन हैं यूनिट्स के या सेक्टर फ्रंटियर के, वहां वो मेडिकल होंगे। लखनऊ, तो लखनऊ में तो सबसे बड़ा केजीएम है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ एक सेंटर है। लखनऊ सेंटर में कैसे जा सकते हैं आप, लखनऊ सेंटर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे जो वॉशरमैन के जो कैंडिडेट हैं वो लखनऊ के सेंटर में गए थे। उसके अलावा एक सेंटर जो है लखनऊ का, लखनऊ सिटी में भी है जो, तो उसमें लोकेशन कौन सा मिलता है, 4th बटालियन मिलता है तो वही मोहनलालगंज का सेंटर मिलता है, और रानीडांगा 41st बटालियन ये सिलीगुड़ी के पास में है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी नजदीकी रेलवे स्टेशन इसका जो है एनजेपी है न्यू जलपाईगुड़ी, और सेक्टर हेडक्वार्टर गोरखपुर। तो ये 4 सेंटर आप लोगों के लिए मेडिकल के लिए एयरमार्क हैं, और डेट जो है वो आपका ये समझिए कि नेक्स्ट वीक आपके रिजल्ट्स भी अपडेट होने हैं कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो रिजल्ट्स प्लस उसके बाद में डेट, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। हमारे जो मेडिकल वाले कैंडिडेट्स हैं, अब सर्जरी जो है तो उसको तो अवॉइड करना है। देखिए किसी प्रकार का सर्जरी है तो उसमें आपका सर्जरी जो है वो डिटेक्ट क्लियर करवाते हैं, तो ऐसी सर्जरी करवाना है कि उसमें आप बच सकें। पहले से ही आप सिविल डॉक्टर से जहां से आप सर्जरी करवा रहे हैं तो उनको ये बता दीजिए कि मेरा मेडिकल मैक्सिमम 15 दिन, और हो सकता है उससे जल्द भी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम उन कैंडिडेट्स को जो देखिए आश्वस्त हैं कि मेडिकल में नाम आ जाएगा, और कुछ ट्रेड तो ऐसे हैं कि उसमें वैकेंसी खाली चली जानी है कुछ कैटेगरी की, तो जो क्वालिफाई हैं उनको अपने मेडिकल की तैयारी अपने स्टार्ट कर देनी चाहिए। जय नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं,
और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वही से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।